हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को हमने सीखा था, थोड़ी कुछ ऑप्शंस के बारे में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के बारे में समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, लिंक होगा, आप वहां से जाके पार्ट वन की वीडियो देख सकते हैं। पार्ट वन की वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली ओपन कर लिया है, क्रिएट कंपनी करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, काम नाम हम लोग दे देते हैं आइडियल के नाम से। एंटर से बाकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं सेव कर रहा हूँ, आप अपना सेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं, F1 प्रेस करते हैं। F1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे यस करेंगे और दोनों ऑप्शन प्रेस करते हुए एंटर से सेव करिए, या कंट्रोल प्लस ए से भी आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमें लेजर बनाना है, लेजर बनाते हैं। एक हमारा कस्टमर है, मान लीजिए महेश के नाम से, इसको हमने संडे डेप्टर्स के अंदर रखा और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस रखा और यहाँ पे यस किया। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स पे हमने यस किया। इन दोनों ऑप्शन पे यस करने के बाद फॉर अमाउंट्स फॉर एडेड, अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उसी दिन से करना चाहते हैं जिस दिन से इनवॉइस की एंट्री किया, बिल बनाया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट हमने 10% रखा और कैलेंडर ईयर चुन लिया मैंने। अब चूँकि हम इसको सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस चुना और हमने ऑलवेज किया। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए हमारा हाईलाइट हो गया, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एनर्जी एंट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। यदि आपने तीन ऑप्शंस का यूज नहीं जानते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस का यूज आपने नहीं सीखा है, तो पहले पार्ट वन की वीडियो देखिए फिर आप इसको सीखेंगे, ताकि आपका ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री करते हैं और एंटर से सेव करते हैं, अपवर्ड राउंडिंग करते हैं और लिमिट हमने दे दिया 1, एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम सेल इनवॉइस की भी एंट्री बना लेते हैं। सेल अकाउंट, सेल के अंदर हमने बनाया लेजर। सेल का बनाने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का हमने नो ही रहने देना है, यस नहीं करना है। और स्टेप करते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं और यहाँ से महेश चुनते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशंस वही रहेंगी। सेल लेजर्स और यहाँ पे कोई स्टॉक आइटम बना लेते हैं, सपोज करिए हम लोगों ने माउस बना लिया और यहाँ से कंप्यूटर्स पार्ट्स हम लोगों ने बनाया, स्टाफ ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर हमने बना लिया पीसेस, और यहाँ से इंफॉर्मेशन को हमने दे दिया एंटर, हमने इसको सेव कर दिया। एंटर हमने सेव करने के बाद हम लोगों ने 10 पीसेस दिया और यहाँ से 2000, मान लीजिए 300 रुपये का माउस है, और यहाँ से हमने इंटर से सेव कर दिया। न्यू रेफरेंसेस, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे हमें सेव करना है, हमें एक नया ऑप्शन मिलेगा। रेट ऑफ 10% हमें रहने देना है, कैलेंडर ईयर है, डेबिट बैलेंसेस ऑलवेज और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री के बाद हमसे पूछेगा ये कब से एप्लीकेबल हो। हम मान लीजिए हमारा एप्लीकेशन ये है 1 मई से एप्लीकेबल हो और 1 मई से 1 जुलाई तक का जो परसेंटेज हो वो 10 हो, फिर उसके बाद अगर वो हमें नहीं देता है तो उसमें टैक्सेस हमारा 5% लगे और कैलेंडर मंथ हमारा जो हो, हम कैलेंडर ये चुन लेते हैं इसके लिए, डेबिट बैलेंसेस और ऑलवेज और यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डेट करते हैं। अब 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक हमारा जो राउंडिंग मेथड है ये चीज़ है और लिमिट हमारा 1 कर देते हैं। फिर से हम लोग 4% चुनते हैं, कैलेंडर मंथ ईयर लिया, डेबिट बैलेंसेस ऑलवेज, डेट स्पेसिफाइड एंट्री 1 सितंबर से चाहे जितना जब तक रहे उसके लिए टैक्सेस है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया स्टार्टिंग में मैंने दिया, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 10% अगर वो
हमारा स्टार्टिंग में है, एक मई से एक जुलाई के बीच में जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो 10% होगा। अगर एक अप्रैल से लेके 31 एक अप्रैल यानी एक अप्रैल से एक मई के पहले तक का इंटरेस्ट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने एक मई से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिया है। फिर एक जुलाई के बाद एक सितंबर के बीच में हमारा 5% का कैलकुलेशन होगा, और एक सितंबर से चाहे जितने दिन तक वो पैसा न दे तब तक हमारा 4% का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ईजी है। इस तरीके से आप सारे पैरामीटर को सेव करते हुए इस इनवॉइस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम रिपोर्ट देखते हैं, तो डिस्प्ले पे जाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, और रिसीवेबल में जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाता। अब एल्ट प्लस F2, एक अप्रैल से हम एक 10 अक्टूबर तक लेते हैं, तो आप देखिए इस तरीके से रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट के बारे में समझे, यानी देखिए एक अप्रैल तक कोई टैक्स नहीं लगा है, एक मई से इंटरेस्ट लगा हुआ है 62 दिनों के लिए, एक मई से एक जुलाई के बीच में जो इंटरेस्ट हमारा लगा हुआ है 62 दिनों का 10%, फिर उसके बाद एक जुलाई से लेकर एक सितंबर के बीच जो 63 दिन का जो समय है उस पर हमारा 5% का टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है, और एक सितंबर से लेके एक अक्टूबर के बीच में जो हमारा 31 डेज है उस पर 4% का टैक्स लगा हुआ है। यानी कई सारे पैरामीटर्स में ये है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो पार्ट वन में वो ऑप्शन छूट गया था, इस ऑप्शंस में इस पार्ट में क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में इतना। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।